इंस्टेंट अपडेट्स के लिए गेमिंग गियर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रिसेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप PS3 के किसी मॉडल को 4.85 फर्मवेयर पर कैसे जेलब्रेक कर सकते हैं या मैक ओएस में लेटेस्ट है 3.0 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कार्ड दोनों में ही मिल जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे हैंड वाले PS3 में मल्टी मैन इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और हम सीखेंगे मल्टी मैन की मदद से गेम्स लोड करना। अब जिन लोगों को नहीं पता है मल्टी मैन क्या होता है, मैं उनको बताना चाहूंगा। मल्टी मैन एक गेम मैनेजर है जिसको आप अपने जेल ब्रोकन या हैंड वाले PS3 में इंस्टॉल करके PS3 के सभी गेम्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने PS3 में चला सकते हैं। ये एक गेम मैनेजर एप्लीकेशन है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त जैन और आप देख रहे हैं गेमिंग गियर्स चैनल। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर और यहाँ पर हम अपनी USB डिवाइस को प्रिपेयर करेंगे। USB डिवाइस के तौर पर मैं डेमो के लिए यूज कर रहा हूँ सैंडिस्क 8GB वाली पेन ड्राइव। आप अपने पर्सनल यूज के लिए चाहे तो USB हार्ड डिस्क का भी यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें आपको स्पेस भी ज्यादा मिलेगा और स्पीड भी आपकी अच्छी आएगी। अब पहले इस USB डिवाइस को आपको अपने लैपटॉप में प्लग कर लेना है और FAT32 फॉर्मेट कर लेना है। तो मैं पहले प्लग कर लेता हूँ पेन ड्राइव को और अब इसको हम FAT32 फॉर्मेट करेंगे। ये है मेरी पेन ड्राइव PS3। अब इस पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग्स एज इट इज रखनी है, स्टार्ट करना है। अब आपका ये FAT32 फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों चूंकि मल्टीमैन सिर्फ FAT32 फाइल सिस्टम वाली USB डिवाइस में से ही गेम्स लोड कर सकता है, इसलिए मैंने इसको FAT32 फॉर्मेट किया है। अब इस USB डिवाइस को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और फोल्डर का नाम आपको रखना है गेम्स, GAMES। सभी आपके लेटर्स कैपिटल ABCD में होने चाहिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब आपको जो भी गेम्स रखने हैं, कॉपी करने हैं, वो इस गेम्स फोल्डर के अंदर रखने हैं। अब हमें जरूरत है एक गेम की, PS3 का गेम जो आपको चलाना है। तो डेमो के लिए मैं यहाँ GTA San Andreas का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे PS3 के गेम्स हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, वो आपको तीन रूप में मिलेंगे। नंबर 1 .pkg फाइल के रूप में, नंबर 2 .iso फाइल के रूप में और तीसरा होता है फोल्डर फॉर्मेट के रूप में। और मल्टी मैन सिर्फ फोल्डर फॉर्मेट वाले गेम्स ही सपोर्ट करता है। अगर आपके पास .pkg और .iso वाले PS3 गेम्स हैं तो आप घबराइए मत, आप उनको फोल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ फोल्डर फॉर्मेट वाले गेम्स कैसे होते हैं। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं GTA S, ये मेन फोल्डर है, उसके अंदर आपको कुछ ऐसे फोल्डर देखने को मिलेंगे। तो ये है एक फोल्डर फॉर्मेट वाला गेम, ऐसे आप देख लीजिएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि PS3 गेम्स फ्री में कहां से और कैसे डाउनलोड करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर मैं अपनी वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा आपको। मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, उन वीडियोस को आप जाकर चेक कीजिएगा और फिर जल्दी जल्दी से PS3 के बहुत सारे गेम्स डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस फोल्डर फॉर्मेट वाले GTA San Andreas गेम को कॉपी करना है, कॉपी किया और फिर अपनी जो पेन ड्राइव है या मैं कहूँ USB डिवाइस है, उसमें जो हमने गेम्स फोल्डर क्रिएट किया था, इसके अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों गेम हमारा कॉपी हो चुका है, अब आपको multiman.pkg डाउनलोड करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स, ये देखिए मैंने डाउनलोड की हुई है मल्टीमैन 4.85.pkg। तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेनी है। अब आपको इसे कॉपी करना है और अपने पेन ड्राइव या USB डिवाइस की रूट डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है।
ये देखिए ये यहाँ पर कॉपी हो चुकी है। तो ये हमारी पेन ड्राइव, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये है मेरी पेन ड्राइव। तो ये आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। गेम्स के अंदर हमारा गेम हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीमेड 4.85.tk। तो दोस्तों हमारी पेन ड्राइव तैयार हो चुकी है, आप इसे अनप्लग कर लीजिए सेव टू रिमूव करके। अब इससे पहले हम इसको अपने PS3 में लगाएं, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको उनको जरूर ध्यान रखना है। नंबर एक, आपकी पेन ड्राइव FAT32 में फॉर्मेटेड होनी चाहिए। नंबर तीन, आपका PS3 गेम फोल्डर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा मेरा यहाँ पर था। नंबर तीन, आपको PS3 गेम को USB डिवाइस के अंदर गेम्स फोल्डर के अंदर ही कॉपी करना है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपने PS3 पर चलते हैं और वहाँ इस पेन ड्राइव को प्लग करके बाकी की वीडियो की प्रक्रिया आगे बढ़ा। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने PS3 पर और मैंने अपने PS3 के USB पोर्ट में पेन ड्राइव भी प्लग कर ली है। अब हमें हैंड इनेबल करना है, तो ये हैंड इनेबल किया, यस किया इसको। अब हमें पैकेज मैनेजर में जाना है, इंस्टॉल पैकेज फाइल्स स्टैंडर्ड, और यहाँ से हमें मल्टीमैन 4.85.pkg को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कंप्लीटेड। अब ये यहाँ पर ऐसे शो होने लगे है, अब हमें इसको रन करना है। अब ये आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, ये अपने आप गायब हो जाएगी। अब ये इंस्टॉल कर रहा है अपना डाटा PS3 की इंटरनल हार्ड डिस्क में। वेट कीजिए, अब फिर से ये स्क्रीन आएगी और अब थीम अप्लाई कर रहा है, और अब ये आपको फर्स्ट स्क्रीन ऐसी देखने को मिलेगी, और उसके बाद ये मेन स्क्रीन है। मल्टीमैन हमारा चल चुका है, अब हमें गेम सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको आपका गेम शो होगा। ये देखिए GTA San Andreas शो होने लगे हैं, आप देख सकते हैं USB दिखा रहा है। अब आप इस पर ट्रायंगल प्रेस करेंगे तो आपको साइड में ऑप्शंस दिखाई देंगे, कुछ सेटिंग्स वहाँ पर भी आपको करनी है। ये देखिए अब यहाँ पर आपको गेम सेटिंग्स में जाना है। ये देखिए बहुत सारी आपको यहाँ पर सेटिंग दिख रही होंगी। अब आप यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं इसको अपने PS3 की इंटरनल हार्ड डिस्क में। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसको इंटरनल हार्ड डिस्क में कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेहतर कंपेटिबिलिटी मिलती है, मतलब कम चांसेस हैं कि आपका गेम क्रैश हो। बट चूंकि स्पेस नहीं है और हमें से USB में से ही बूट करना है, तो हमें यहाँ पर साइड में कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक्सटर्नल और उसके सामने USB पैच, ये दोनों सेटिंग सेलेक्ट करनी है। अगर हमारा गेम इंटरनल हार्ड डिस्क में होता तो हमें इंटरनल और उसके सामने BD मिरर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता। अब ये सेटिंग करने के बाद आपको O बटन दबाकर बैक आ जाना है और गेम को रन करना है। अब X दबाना है और ये आपका गेम मल्टीमैन माउंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर ये शो होने लगा है, अब हमें इसे X दबाकर स्टार्ट करना है, तो X दबाते हैं। दोस्तों हमारा गेम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब आप अपनी USB डिवाइस में बहुत सारे गेम्स डालकर अपने PS3 से कनेक्ट कीजिए और उन गेम्स को अपने PS3 पर एंजॉय कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी गेमिंग।